फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान संगम क्लासेस। फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज एलिजीज, द फेमस एलिजीज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडे लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद द फेमस एलिजीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि एलिजी क्या है। एलिजी क्या है? किसी की डेथ पर लिखा गया एक शोक गीत है जिसे हम एलिजी कहते हैं। एलिजी का ही एक पार्ट है पेस्ट्रल एलिजी, जिसके अंदर जो एलिजी की सेटिंग दिखाई जाती है वो रूरल दिखाई जाती है। सो लेट्स डिस्कस द फेमस एलिजीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द फर्स्ट वन, डायर्स द एडवर्ड फोर्थ, ये किसने लिखी है? देखो, ऊपर लिखा गया है कि एलिजी का नाम क्या है, इसके बाद लिखा गया है कि राइटर कौन है, इसके बाद लिखा गया किसकी डेथ के ऊपर ये लिखी गई है। तो डायर्स द एडवर्ड फोर्थ जो है वो किसने लिखी है? जॉन स्कल्टन ने लिखी है। और किसकी डेथ के ऊपर? एडवर्ड फोर्थ की डेथ के ऊपर लिखी गई है। रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस जो है वो किसकी डेथ के ऊपर लिखी गई है? जो किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस ओक्लेव के द्वारा। और किसकी डेथ के ऊपर? चौसर की डेथ के ऊपर लिखी गई है। इसके बाद आता है अरिस्टोफल। अरिस्टोफल जो है वो किसकी डेथ के ऊपर लिखी गई है? फिलिप सिडनी की डेथ के ऊपर लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। लाइसीडियस जो है वो मिल्टन ने लिखी है। किसकी डेथ के ऊपर? एडवर्ड किंग की डेथ के ऊपर लिखी गई है। इसके बाद आता है हीरोइक स्टैंजा ऑन डेथ ऑफ क्रोमवेल। क्रोमवेल की डेथ के ऊपर लिखी गई है जो एलिजी है, उसका नाम क्या है? हीरोइक स्टैंजा ऑन डेथ ऑफ क्रोमवेल किसके द्वारा? जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद आता है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। किसके ऊपर लिखी गई है? मैनकाइंड इन जर्नल के ऊपर लिखी गई है। आगे है एडोनाइस। एडोनाइस जो है वो किसने लिखी थी? सैले ने। किसकी डेथ के ऊपर? किड्स की डेथ के ऊपर। इसके बाद आता है इन योंडर ग्रेव ए ड्रुइड लाइज। देखो, और जो ऊपर आपने सुनी शायद वो लगभग सभी ने सुनी होंगी, बट ये जो है वो बिल्कुल न्यू है। इसे भी आप नोट डाउन करें। काफ़ी बार ये देखा गया है कि जो ऊपर वाली हैं वो शायद सुनी होती हैं, एक ऐसी ही मिल जाती है जो हमने नहीं सुनी होती है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। इन योंडर ग्रेव ए ड्रुइड लाइज विलियम कोलिंस जेम्स थॉम्सन की डेथ के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारी इन मेमोरियम। इन मेमोरियम किसने लिखी है? लॉर्ड अल्फर्ड टेनिसन ने लिखी है। किसकी डेथ के ऊपर लिखी है? आर्थर हेनरी हेलम की डेथ के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट है थायरसिस। थायरसिस किसने लिखी है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है। किसकी डेथ के ऊपर लिखी गई है? आर्थर ह्यूज क्लॉक के ऊपर लिखी गई है। अगला है रग्बी चैपल। रग्बी चैपल किसके द्वारा लिखी गई है? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। किसकी डेथ के ऊपर? खुद के ही फादर की डेथ के ऊपर लिखी गई है। इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स जो है वो किसकी डेथ के ऊपर लिखी गई है? डब्ल्यू बी ईट्स की डेथ के ऊपर लिखी गई है। WHO ऑर्डर ने लिखी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कुछ फेमस एलिजीज जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इसी के अंदर ये मैंने आपको एक टर्म बताई थी कि पेस्ट्रल एलिजी क्या होती है, तो इन्हीं में ही कुछ पेस्ट्रल एलिजीज के एग्जांपल हैं, जैसे लाइसीडियस जो है वो एडोनाइस भी पेस्ट्रल एलिजी है, इसके साथ साथ थायरसिस भी पेस्ट्रल एलिजी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने किया फेमस टॉपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द फेमस एलिजीज। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए और एक इंटरेस्टिंग और जो एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय।